करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे, मतलब अप्रॉक्स 30-35 के अप्रॉक्स तो मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, और बेसिक से भी आए थे, और क्वेश्चंस इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, मतलब और ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि अगर आ रहे हैं तो वो पूरे पूरे आ रहे हैं, सही हैं, और नहीं आ रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, इस टाइप के पेपर था। इनका कहना यह है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, या ये भी कह सकते हैं मॉडरेट टू इजी था। इनका कहना है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है कि ये पेपर देने से संतुष्ट हैं, क्योंकि इनका पहली बार था, चांस मिलने पर इनके पास मौका है कि उसको आगे एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, आपका अनुभव क्या रहा? पेपर का जो लेवल था वो नॉर्मल ही था, और क्वेश्चंस जो थे वो जो बेसिकली करंट अफेयर्स की बात करें तो जो यूपी से रिलेटेड योजनाएं वगैरह थी उन पे बेस्ड थे, और जो नॉर्मल अगर इन फ्यूचर की बात की जाए तो जो यहाँ पे पढ़ाया गया मटेरियल उससे ही काफ़ी रिलेटेड था, और अगर इसी उस पर जिस ट्रैक पर प्रिपरेशन चल रही है इसी ट्रैक पर आगे किया जाए तो नेक्स्ट उस पर क्रैक हो सकते हैं या होगा। आप सुनिए, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी सहमति इन लोगों के साथ है या नहीं। ठीक है, इनका कहना यह है कि पेपर नॉर्मल कंडीशन में था, और पेपर अगर जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक पे अगर आगे चलते रहे तो पेपर को क्रैक करने की संभावनाएं पूरी हैं। और ये इनका कहना यह है कि मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि यहाँ जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ये उससे अभी तक संतुष्ट हैं। आपका क्या राय है इसको लेकर के? मैं ये इसलिए करा रहा हूँ ना कि मैं अभी कुछ पे बात करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे या ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं वहाँ इस पेपर को लेकर के या इसके पीछे आईएएस का वो उसको लेकर के भी बहुत तरीके की मिथ वहाँ डाली गई हैं, बहुत तरीके के लोगों ने वहाँ कुछ बोला हुआ है। इससे हो क्या रहा है कि जो बच्चा तैयारी करने जा रहा है या जो तैयारी करने के मोड में आना चाह रहा है उनका मोरल जो है डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछले दो दिनों में यूट्यूब को खूब खंगाला है, फेसबुक को खंगाला है, वहाँ ऐसे तरीके के कमेंट बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के लोग कर रहे हैं जिसको देख करके बच्चा डरा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा देर से आया इस बात को लेकर के कि यार इसमें हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है। तो मैं कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं कि अगर ठीक है इस क्लास में अभी जितने बच्चे थे उसमें दो चार निकल गए, जो लोग बचे हुए हैं पेपर दिए हैं उनका व्यू क्या है, क्योंकि स्टूडेंट वो बताएगा जो वो फील कर रहा है, और जो वो फील कर रहा है वही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोचिंग का क्या है, कोचिंग का बताने का कुछ भी कोई बता सकता है पेपर देकर कि कठिन है। अब एग्जांपल समझो, जितना भी ऑनलाइन मोड में आकर के लोग बताना स्टार्ट कर रहा है वो वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अब कुछ नहीं करा पाया बच्चों से, ऑनलाइन पढ़ा करके बच्चों को कुछ नहीं करा पाया, तो वो अपनी कोचिंग की गलती उस पेपर पर डाल दे रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था इसलिए बच्चा हमारा क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो आप खुद बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा है? पेपर सर टफ था या इजी था ये तो नहीं कह सकता मैं, बट ये है कि जो भी चीज़ें आई थी यहाँ के नोट्स में से बहुत सारी चीज़ें थी, और जैसे साइंस एंड टेक मतलब साइंस वाला जो पोर्शन लिया जाए वो डायरेक्ट नोट्स से ही आए थे, और अगर जैसे पुनीत सर की बात ध्यान में रही हो तो उसी के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन थे, और जो चीज़ें मतलब यहाँ कवर कराई गई उसमें से मैक्सिमम चीज़ें थी, और मेन दिक्कत मुझे जो आई करंट अफेयर्स को लेकर वहाँ पर आई, और हिंदी को लेकर आई थोड़ा बहुत सीसेट में, और बस मतलब टफ था या इजी था ये नहीं कह सकता, बट नोट्स के भी आप पे जो है मुझे ये पेपर इजी लगा। इनका कहना है कि नोट्स के भी पे पेपर इजी लगा, तो नोट्स के भी पे पेपर इजी कैसे लगता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैसे नोट्स के भी पे इजी लगता है? और इनका कहना ये है कि इजी लगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने ट्रैक को सही से आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें लगता है कि इस बार का रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, होगा कि नहीं होगा वो भी मुझे नहीं पता, वो खुद ये लोग जानेंगे। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो अगर ये ट्रैक अपना बना कर रखते हैं तो मुझे लगता है कि आगे जो भी एग्जाम चाहे आर ओ का हो चाहे इसके आगे जो भी पी सी एस आई एस का आने वाला है वो क्रैक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अंजनी आ गया, ये आपकी क्या राय इस पर बताइए? पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, बट डिफिकल्टी मुझे वहाँ फेस हुई जहाँ मुझे हर एक चीज़ को फैक्चुअली मतलब एकदम करेक्ट, अगर ज्योग्राफी में भी कोई चीज़ आती है तो एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, जैसे ब्लैक सी या
कैस्पियंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो इसके अराउंड कितने सिटीज़ हैं, अगर एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, आप गैस नहीं लगा सकते पैक पे बिल्कुल व्यस्त हैं। सर अगर थोड़ा और कंटिन्यू किया जाए, जैसे साइंस के टैकल क्वेश्चन तो मैंने पूरे टैकल कर लिए थे, बस जो मैंने चीज़ें नहीं पढ़ी थी, जैसे मैंने ज़्यादातर अभी ज्योग्राफी पूरी नहीं स्टार्ट की है वर्ड, तो मैंने उसका बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट कर पाया, और नॉर्मल ज्योग्राफी अटेम्प्ट कर लिया था, और पॉलिटी के हिसाब से तो ठीक किया था, करेंट में थोड़ा फर्स्ट। एक बहुत सिंपल सी बात जानिए, अभी आपने कहा है जी तो मॉडरेट है, मॉडरेट टू जी है, हार्ड है, मुझे सही मायने में आज तक इस समझ में नहीं आया कि आप किसको ये बोलते हैं, किसको हार्ड बोलते हैं। दो बातें हैं, आपको समझ में आ गया तो इजी, नहीं समझ में आया तो हार्ड, और डायलेमा में रहे तो मॉडरेट। तो जो भी लोग, मैं देख रहा था अब यूट्यूब पे कुछ लोगों ने लिखा है कि आज के इतिहास का सबसे टफ पेपर, कुछ लोगों ने लिखा है कि 5 साल के इतिहास का सबसे टफ पेपर, कुछ लोगों ने डाला हुआ है कि 5 साल के इतिहास का सबसे आसान पेपर। तो एक बात क्लियर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप सफाई कर्मी और दरोगा का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप लेखपाल या कलर का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, ठीक से बैठिए बेटा, कि आपको ये रटा दिया गया है कि प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, ठीक है, या प्रियम्बल जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, फिर आप गए एग्जाम में, आपने कहा कि हमको तो राय गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल पेश किया था, वहां तो पूछ लिए प्रियम्बल में कौन कौन शब्द हैं। तो जब आप इस तरीके का एग्जाम देते हैं और जब आपसे इस तरीके के एग्जाम में फैक्ट के जगह पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तब आप बोलते हैं कि पेपर टफ है या मॉडरेट है या आसान है। आपको ये दिमाग में बना के रखना होगा कि आप भारत की सबसे बड़ी सेवा सिविल सेवा और स्टेट की सबसे बड़ी सेवा स्टेट सिविल सेवा, हम उसको कहते हैं स्टेट पीसीएस कहते हैं, इसका एग्जाम देने जा रहे हैं। यहां ना तो कुछ आसान होता ना तो कुछ कठिन, यहां सिर्फ एक ही चीज होता है कि पेपर के दो फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट यह है जो कॉन्सेप्ट पे आएगा, दूसरा फॉर्मेट यह है जो फैक्ट पे आएगा। कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट यह है जो 80% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फैक्ट का फॉर्मेट यह है जो 20% तक पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्मेट यह है कि यह तो है यूपीएससी का, पीसीएस में क्या है कि 60% आपके कॉन्सेप्ट होंगे और 40% फैक्ट होंगे, लेकिन यहां के फैक्ट और ये लेखपाल चपरासी दरोगा, यहाँ के फैक्ट में डिफरेंस ये है कि वहाँ के फैक्ट जो होते हैं वो किसी भी तरीके से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन यहाँ के फैक्ट जो होते हैं वो होते हैं जो कहीं ना कहीं हाईलाइट हुए होते हैं, जिनको आपको जानना चाहिए, जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैं एक पॉलिटी में क्वेश्चन देख रहा था, वहाँ पूछे गए हैं आकस्मिक निधि को लेकर के पूछा गया कौन सा आर्टिकल है, तो आप ये नहीं कह सकते ये फैक्ट है, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, आप वित्त विधेयक पढ़ेंगे या बजट पढ़ेंगे, आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो उस प्रेसिडेंट के साथ आपको आकस्मिक निधि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक मेजर सेगमेंट है ना पैसा निकालने का, है कि नहीं, रेवेन्यू पॉलिटी से निकालने का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नियम बनाया है, अब उस नियम के लिए एक आर्टिकल दिए गए हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ लिया ये फैक्ट, नहीं, प्रेसिडेंट अपने आप में कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट नामक शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां रखा हुआ है। अब आप कह रहे हो नहीं पेपर फैक्ट बहुत आ गया, बहुत टफ आ गया, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने दिमाग से इस तरीके के मिथ को बिल्कुल हटाना होगा कि पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत कठिन है। ये सारी भ्रांतियां उन्हीं लोगों के द्वारा फैलाई जाती है तो जीवन में तो या तो कुछ कर नहीं पाए और फिर खोल लिया कोचिंग ऑनलाइन बैठ के और खुद तो कभी जो है कुछ किया नहीं और अपनी सारी गलतियों को डाल दिया किसके ऊपर, स्टूडेंट और आयोग के ऊपर। मार्केट में आपको दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं नहीं सेलेक्ट हो पाए
कोई बात नहीं, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर कहीं कमी रही होगी, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। और आप उनसे जब मिलते हैं तो वो आपको डायरेक्शन सही देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं सेलेक्ट पाया, कोई बात नहीं, आप हो सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं, हमने कुछ गलतियां की नहीं हुए। ये इंसान वो होते हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ कर जाते हैं आईएएस ना बनने के बाद भी, क्योंकि पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाला अगर अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा एस्पिरेंट है, तो वो जीवन में सिलेक्शन लेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जीवन में एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा, क्योंकि वो हर उस बारीकी को, हर उस चीज को सीख चुका होता है जिससे उसको एक अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वही मार्केट में दूसरा भी इंसान है जो 5 साल घर से तैयारी के नाम पे गया है और करता 3 काम है, कोचिंग जाएगा 365 दिन में 3.65 डेज, पैसा कोच खर्चा लग रहा है 5,000 रुपये तो लेगा 15,000 रुपये, थरिया जानते हैं, थरिया थाली जानते हैं उसको, तो शुद्ध भाषा में बहुत थरिया बोलते हैं, थरिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो अभी शब्द बोलूंगा उसी से कनेक्ट करेगा, थरिया भर चावल और दाल बनाएगा और शान के खा लेगा बढ़िया से, और फिर पेट भर के खाकर सोएगा दिन भर, फिर शाम को उठेगा बाहर जाएगा एक कप चाय पिएगा एक पेपर लेके आएगा 2-4 को ज्ञान दे देगा, कमरे में बैठ कर 1 घंटा पढ़ लेगा क्या क्या हो गया आज का काम हमारा, और वो तब तक तैयारी कर रहा होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो रही होती है, शादी हुई तैयारी खत्म। तो वो ये वो इंसान है जिसने कभी यूपीएससी के लिए अपने समय को दिया ही नहीं। जब ये इंसान आपसे मिलता है तो इसका ईगो वहां टकरा रहा होता है, वो ईगो इस बात के लिए नहीं टकरा रहा होता कि आप उससे पूछ रहे हैं, ईगो इस बात का टकरा रहा होता है कि कहीं ये गलती से सही डायरेक्शन पाकर के आईएएस ना बन जाए, क्योंकि अगर ये बन गया तो हमारी धज्जियां ये उड़ा देगा। जबकि वो ये भूल जाता है कि जो स्टूडेंट उसके पास पूछने गया है वो बहुत उम्मीद से गया है, अगर उसको कुछ सही बता देगा और सही कर ले जाएगा तो उसका ही नाम होगा, तो वो अपनी गलती किसको पड़ाल देता है, आयोग के ऊपर, कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि पेपर बहुत टफ था, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि आयोग ने पैटर्न चेंज कर दिया। फिर जब बहुत उससे आप बहस करेंगे तो लास्ट में एक लाइन बोलेगा कि मैं तो बहुत योग्य था, आयोग ही अयोग्य था जो मुझको सेलेक्ट नहीं कर पाया, समझ रहे ना। और यही ऐसी जनसंख्या मार्केट में कितनी है, 90%, क्योंकि 10 लाख फार्म में से 1,000 सेलेक्ट होते हैं, तो जो सेलेक्ट हो गया तो बाहर आता नहीं बोलने, जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसमें से कुछ परसेंटेज है जो अपनी कमियों को मान के अगले साल के लिए लगते हैं और अच्छा डायरेक्शन लोगों को देते हैं कि कोई बात नहीं यार ठीक है हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया जीत जाएगी, और क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मतलब हार का उतना दुख नहीं हुआ जितना दुख हार के पहले के जश्न की बेइज्जती का है, समझ रहे ना। खेल है हार जीत तो लगा रहा था यार, कोई जो टीम अच्छी खेलेगी खेलेगी। तो ये एग्जांपल इस बात के लिए है कि ये वो लोग हैं जो प्लानिंग के पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं मैं तो आईएएस बन गया। यही वो लोग हैं जो यूट्यूब पे इस तरह ऑनलाइन या कहीं भी जीवन में ऐसी हरकत करते हैं, और यही वो लोग हैं क्योंकि हर आदमी को टीआरपी चाहिए ना, कोई भी कोचिंग संस्थान हो कोई भी न्यूज चैनल को टीआरपी चाहिए, टीआरपी कैसे मिलेगी, अभी मुझे बुला ले मैं कहूंगा नहीं पेपर बहुत अच्छा हुआ, टीआरपी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी मैं बोल दूं वहां जाकर के कि आज तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर, लेकिन ये बच्चा एसडीएम जरूर बन सकता है, देखिए टीआरपी कितना हमारा व्यूज बढ़ जाएगा घंटे में, क्योंकि लोग कहेंगे वो बच्चा है कौन सा जो एसडीएम बनेगा, अच्छा पूरी वीडियो देख डालोगे कहेंगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऐसे कुछ समय पहले एक सीरियल आता है पता नहीं किस चैनल पे आता है, तो मैं एक दिन बैठा था तो उसमें यूट्यूब पे किसी ने मुझे लिंक भेजा कहा सर ये देखिए, हमने क्या कहा सर देखिए, तो हमने उसमें देखा तो उसका थंबनेल लगा हुआ था राशि ने कुकर ऐसा कुछ करके था राशि ने कुकर करके था कुछ, मैं देखा हूँ 1 घंटे में मिलियंस व्यूज उसके पास हैं,
हाँ ठीक है, और अभी आप डाल दीजिए कि यूपीएससी के इन सेगमेंट को तैयार करिए, इससे आपके क्वेश्चन फंसेंगे। साल भर डाले रहो तो कोई नहीं देखने वाला उसको। तो ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो इस तरह की हरकत इधर कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारी आपकी है कि हम ऐसी हरकत को देख रहे हैं। मैं बताऊं कल से लेकर आज तक कम से कम 20 फोन हमारे पास आया है, बच्चे इतने डिप्रेशन में है, बोल रहे हैं सर लोग तो कह रहे हैं कोई कह रहा 50 ही जाएगा, कोई कह रहा 90 जाएगा, कोई। अब वो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे उसमें कई मित्र भी हैं, हम कह रहे हैं कुछ भी जाए, अब एग्जाम हो गया ना, अब आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पेपर मिलाना ही नहीं, आप लग जाओ एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में लग जाओ। क्यों? रिजल्ट आएगा तो मेंस, अगर हो गया तो मेंस देना है, नहीं हुआ तो आप उन बच्चों से ज्यादा आगे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप अगले एग्जाम की मेंस की तैयारी पहले ही कर लिए, आपके पास पूरा समय बचा हुआ अगले प्री की तैयारी करने के लिए। तो कौन सा विकल्प है? इस बात को सोच करके बैठे रहना कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इस बात को करके कि यार ठीक है जो हो गया हो गया, अब अगले स्टेप पे लगते हैं। तलवार की धार कभी युद्ध के मैदान में तेज नहीं की जाती है, तलवार की धार हमेशा युद्ध के मैदान में जाने से पहले तैयार की जाती है। तलवार की धार रोज तलवार वाला इस लगाता है कि धार तेज रखेंगे तो कभी अचानक मौका पड़ने पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं धार रखता कि यार धार रख लो कल युद्ध में जाकर के गला काटना है, नहीं, वो इसलिए रखता है कि अगर मौका मिला तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मौके पर इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब धार तेज होगी, वरना एनडीटीवी में बैठ के मौका मौका गाते रहो और रिजल्ट मैच होने के बाद मौका मौका गाने वाला ढूंढे नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया। खेल को खेल की तरह रहने दीजिए, इसी तरह जिंदगी है, इस जिंदगी में यूपीएससी खेल नहीं है कोई जिसके साथ आप खेलेंगे, ये आपका सपना है, इस सपने को जीने के लिए आपको अपने गांधी जी के बंदर बनने पड़ेंगे। आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप उसको दो ही तरीके से दूर कर सकते हैं, या तो आप अपने टीचर पे या जहां आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करिए, या तो आप अगर उन पर भी विश्वास नहीं है आपको तो आप सिंपल सा यूपीएससी के साइट पे जाइए, अपने क्वेश्चन को वहाँ लिखिए, यूपीएससी को वहाँ नंबर दिया गया, उनसे फ़ोन करिए, उनसे पूछिए, चले जाइए दिल्ली यूपीएससी भवन में धरने बैठ जाइए कि हमें जानना है, आपको सब मिल जाएगा, बाकी तीसरा कोई बताने वाला आपके पास नहीं है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी उन स्टूडेंट को भी उठानी चाहिए जो सेलेक्ट होकर जा रहे हैं कि हमें उन्हीं के बारे में बोलना है जो बेहतर है। अगर ये जिम्मेदारी सिलेक्शन लेने वाले 1000 बच्चे में से एक भी उठा ले तो कम से कम 10 से 15 बच्चों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग से ये भ्रम आज के बाद नहीं पैदा होना चाहिए कि पेपर आसान है या कठिन है या कैसा होगा, उनका नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, हमारा होगा क्योंकि हम बेहतर हैं, हम लगे हुए हैं, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, होगा, लेकिन होगा तभी जब लगेंगे अच्छे तरीके से, लगे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप पढ़ के सिलेक्शन ले लो, और या तो एग्जाम हो गया है रिजल्ट मिला लिए हो 60-65 के करीब मान लो हो तो देवदास बन के शराब पी के घर में मस्त के पड़े रहो कि मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरा तो इस साल नहीं होगा। तो पहला विकल्प ज़्यादा अच्छा है कि लग जाओ, क्योंकि दूसरे विकल्प में तो फिर आपके पास निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो पहले विकल्प में ये है कि आपने एग्जाम दे दिया, पेपर आपके सामने है, 100-150 क्वेश्चन है, एनालिसिस करिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, मैंने सी लगाया, आयोग ने बी कह रहा है, मैं क्या सोचा, आयोग क्या सोच रहा है, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नेट पे खंगालिए, टीचर से मिलिए, अपनी बुकलेट उठाइए, 150 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करके अपने सामने प्रेजेंट कर लीजिए। कोचिंग के द्वारा या किसी के द्वारा एंसर शीट जारी कर देना प्रमाणिकता का आधार नहीं है, तब तक जब तक आयोग प्रमाणिकता का आधार जारी। तो इसके लिए यह है कि आपके पास 150 क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन 2 दिन के अंदर अपने मटेरियल से, अपने टीचर से, अपने कोचिंग से, अपने कहीं से भी आप कनेक्ट होकर के उस 150 क्वेश्चन का सेट अपने पास बना के आप रख लीजिए। और विश्वास मानिए कि अगर आप 150 क्वेश्चन का जो सेट अपने पास बना के रखते हैं तो अगले जितने भी एग्जाम हैं, अगले 6 महीने में होने वाले सारे एग्जामों में इस 150 क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? फोन नहीं उठाओ, समझ गया ना। तो ये आपको करना है कि आपको खुद का एक्सप्लेनेशन बनाना है, उसको अपने पास सेव करके रखना है,
मैं आप कितनी सहायता कर सकता हूं कि आप कहीं फंस रहे हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसको स्रोत बता सकता हूं। आप अगर चाहें तो बना करके हमको चेक करने के लिए भी दे सकते हैं। मुझे लगेगा इसमें कुछ अटैच करना है तो मैं कॉमन एक एक्सप्लेनेशन किसी क्लास में डिटेल करके आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। क्लियर है? तो पहला तो ये था। दूसरा सेगमेंट ये है कि इधर आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। मैं अगले कुछ दिनों तक सब्जेक्ट वाइज आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करूंगा। वो इस बात के लिए नहीं कि हमें इसको मार्केट में दिखाना कि हमारा 92% क्वेश्चन फंसा हुआ है, इस बात के लिए कि स्टूडेंट ये बस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसके पास जो भी स्रोत है कहीं से, हमारी कोचिंग का हो, किसी का हो, जो भी है, वही उसका असली क्या है, क्या है, ब्रह्मास्त्र है। अक्सर स्टूडेंट के सामने ये समस्या आती है कि एग्जाम के 10 दिन पहले अगर बगल वाली सीट के पास कोई नई बुकलेट दिखा तो उसको खरीदने के लिए मार्केट में दौड़ पड़ता है कि यार इससे पढ़ लो, क्योंकि मान लो जैसे ये दोनों लोग एग्जाम दे रहे हैं, इनके पास ए बुक है, इनके पास अभी तक दोनों के पास सेम ए बुक थी, इन्होंने इनके हाथ में बी बुक देखा, अरे उस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस में सभी सवाल यहीं से आते हैं, अरे ये क्या है, इन्होंने कहा कौन सी बुक है, इन्होंने भी कह दिया नहीं नहीं बहुत अच्छी बुक है ये, बस ये मार्केट में दौड़ पड़े, मार्केट में दौड़ पर ढूंढ के ले आए। देखो हुआ क्या उसमें, इन्होंने 355 दिन पढ़ा क्या अपना नोट्स, जिसमें इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी शब्दावलियां हैं, इनकी अपनी भाषा, उसमें पकड़ है। लास्ट 10 दिन में इन्होंने वो पढ़ लिया जिन पे इनकी पकड़ नहीं है, तो लास्ट 10 दिन का जो प्रेशर था उसने लास्ट पिछले 355 दिन के कॉन्सेप्ट इनके हिला कर दिए। और जब एग्जाम हॉल में ये बैठे तो इनके सामने चारों ऑप्शन हिलते हुए नजर आए, डायलेमा की स्थिति क्रिएट हो गई। और डायलेमा की स्थिति क्रिएट होते ही इनके आते हुए सवाल गलत हो गए और ये एक दो नंबर से बाहर हो गए। आप अक्सर देखोगे लोग कहते हैं कि यार मैं एक दो नंबर से बाहर हो गया, ये वही लोग हैं जो लास्ट में ये वाला काम करते हैं। अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी एक फितरत है कि वो नोट्स के पीछे बहुत भागते हैं। मतलब अगर उनको कोई ये बता दे कि ये नोट्स पढ़ लो इससे दो क्वेश्चन फंसेगा, तो अपने 20 क्वेश्चन के दो क्वेश्चन के चक्कर में 148 क्वेश्चन वाला अपना जो नोट्स है उसको फेंक देंगे। तो आपको ये नहीं बनना है, आपके पास जो है वही आपका असली ब्रह्मास्त्र है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। आपको आप सुधार के लिए आप कैसे जानोगे सुधार करना है? आप जानोगे ऐसे कि आप पीसीएस का एग्जाम देना है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि जिस काम के लिए आप बैठे हो उस काम के लिए आप हम पे मत डिपेंड रहो, हर चीज के लिए हम पे नहीं। आप जाओ पीसीएस का सिलेबस निकालो, पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो। जैसे मान लो एग्जाम्पल आरओ का एग्जाम है, अभी कब है, 5 दिसंबर को, अभी आप पीसीएस दे के निकले, चलिए पीसीएस के लिए लगे थे, नहीं तैयारी कर पाए। अब आप क्या करना चाहिए, जाइए आरओ का सिलेबस उठाइए, अपने टेबल पर रखिए, आरओ का पिछले 10 साल का प्री का क्वेश्चन पेपर उठाइए, एनालिसिस बनाइए कि किस सेगमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी से मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं तो पॉलिटी में 20 सेगमेंट हैं, इन 20 में से किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दिन समय लगे एनालिसिस कर लीजिए। फिर आप देखिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं, क्या इन इस एग्जाम के लिए हमारे पास मटेरियल्स हैं कि नहीं है। अब मटेरियल्स भी हो गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पिछले 10 साल में क्वेश्चन बने कैसे हैं। जब इतना काम कर लीजिए तो फिर एक रणनीति बनाइए कि हमारे पास 5 दिसंबर तक समय कितना बचा हुआ है, हमें उस पर कैसे लगना है। और विश्वास मानिए कि आपका एग्जाम रुकने वाला नहीं है। अगर आप पीसीएस के एग्जाम में 60-65 के स्कोरिंग कर रहे हैं और तुम मान के चलिए अगर आप थोड़ा सा भी संभाल ले गए तो आरओ के एग्जाम में आप इसका जस्ट डबल करके आएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाने वाला। बस ये है कि आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटजी आज से होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे काम करने हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? तो ये आप करिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर भला होगा। बाकी निर्मल बाबा तो है ये कि चटनी खाओ तो भला होगा, हरी चटनी क्यों नहीं खाए। तो हरी चटनी बताने वाले मार्केट में बहुत हैं कि अच्छा अच्छा तुमने घटना चक्र वाली पढ़ी थी, अरे यार यूथ वाली पढ़े होते तो हो जाता, तो इस बार यूथ लेके आए, नहीं हुआ, अरे तो यूथ तो मैंने पीसीएस के लिए बताया था, आरओ के लिए तो घटना चक्र ही अच्छी थी। तो ना घटना चक्र ना यूथ, आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपका अपना मटेरियल, ठीक है। बाकी कोई विकल्प आपके साथ काम करने वाला नहीं है।
मैं पिछली क्लास में बोला था कि बोला क्या था, हमने रिकॉर्डिंग डाली थी एग्जाम के दिन पहले, कि ना तो मेरा आशीर्वाद ना तो भगवान का आशीर्वाद, दोनों तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं होगा। आपका खुद का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है तो हमारा ऊपर वाले का, दोनों का आपके साथ कंडीशन सेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो फिर कुछ होने वाला। तो आज मैं पॉलिटी का आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग इसमें आरओ दे रहे हैं? आरओ का एग्जाम 3 लोग दे रहे हैं। कितने लोग भरे हैं आरओ का एग्जाम? भरते भी नहीं है, भरने नहीं है। अरे आरओ का एग्जाम, लोअर पीसीएस का एग्जाम, ये इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपको सिलेक्शन लेना है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं। जैसे बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है ना, तो आईएएस के पहले प्री बोर्ड क्या है? पीसीएस। पीसीएस के पहले प्री बोर्ड क्या है? आरओ आरओ। आरओ आरओ के पहले प्री बोर्ड क्या है? लोअर पीसीएस। अब ये मत कर देना सर तो फिर वो बीएड वाला भी भर दें, ठीक है ना। तो आपको ये देना चाहिए सिलेक्शन के लिए, नहीं क्योंकि ये वो कैसे चेक करोगे अपने आप को? मॉक टेस्ट देना अलग बात है यार, मॉक टेस्ट में आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा, वहाँ प्रेशर नहीं होता, हम पेपर दे के चले गए। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको फीलिंग आती है कि यार हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। और आरओ आरओ एग्जाम कोई हल्का है नहीं, आयोग इसको कराता है, सचिवालय में आप बैठते हैं, ठीक है। पेपर का स्टैंडर्ड लगभग उसके बराबर चलता है जब से पिछले 2016 से चेंज किया है, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए। हालांकि आरओ आरओ का बैच अभी मैं स्टार्ट करूंगा, और आरओ आरओ का जो बैच होगा वो फुल्ली निःशुल्क होगा आप सभी के लिए, वो यूट्यूब के थ्रू हम चलाएंगे, ठीक है। आरओ आरओ का पूरा बैच हम यूट्यूब पर चलाएंगे निःशुल्क 5 दिसंबर के लिए। उसमें हम आपका हिंदी और जीएस ये 2 सेगमेंट हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि मेंस का क्रैश कोर्स भी हम चलाएंगे, आरओ का भी चलाएंगे, अभी फिलहाल पीसीएस का भी सामने, आईएएस और पीसीएस का क्रैश कोर्स हम मेंस का चलाएंगे, वो भी पूर्णतः निःशुल्क होगा। और आप ढूंढ लेना, पता भी कर लेना कि ये यूपीएससी के कोचिंग इंडस्ट्री में ऐतिहासिक मोमेंट है कि कोई कोचिंग पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ही फ्री में लॉन्च कर रही है। आप किसी कोचिंग का उठा कर देख लेना, 1-2 सेगमेंट आते हैं, मैं पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ही फ्री में लॉन्च कर रहा हूँ, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। वही टीचर जो आपको क्लास लेते हैं, इन्हीं टीचरों के माध्यम से हम क्रैश कोर्स पूरा लॉन्च करेंगे 200 घंटे का, क्योंकि हमारे पास 50 दिन मिल रहे हैं आईएएस के लिए, 60 दिन मिल रहे हैं पीसीएस के लिए। तो आईएएस के लिए 50 दिन मतलब एक दिन में 4 घंटे की क्लास, 200 घंटे की आईएएस की क्लास होगी, 240 घंटे की पीसीएस की होगी। पहला 200 घंटा जो होगा, पहला 50 दिन वो कॉमन होगा जीएस, क्योंकि जीएस दोनों में कॉमन है। बाकी 40 घंटे जो बचते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा वो पीसीएस स्पेशल, यूपी स्पेशल और यूपी से रिलेटेड करंट स्पेशल की हम क्लास वहाँ चलाएंगे। तो जीएस की पूरी क्लास आईएएस की और जीएस प्लस हिंदी की पूरी क्लास पीसीएस की, क्रैश कोर्स मेंस 2021, ये हम यूट्यूब के थ्रू लॉन्च करेंगे। तो आप खुद करिए, कोई करना चाहता हो तो उनको बताइए, अपना यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वहाँ जाकर क्लास पूरी हो कंटिन्यू करें। डेट अनाउंसमेंट हम कर देंगे दीपावली छुट्टी के चक्कर में, टीचर का थोड़ा अरेंजमेंट है, जैसे ही दीपावली छुट्टी का अरेंजमेंट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ बता देंगे कि किस डेट से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। और आरओ आरओ वाला भी हो सकता है कि मैं दीपावली पहले ही पहली क्लास चलवा दूँ। आरओ आरओ के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, उसकी हम क्लास लगभग 60 दिन हमारे पास मिल रहे हैं, 60 ही दिन मिल रहे हैं ना, नवंबर नहीं 30 दिन का है। तो अगर हम 1 दिन में 2 घंटे की क्लास चलाते हैं तो 60 घंटे आरओ आरओ के लिए बहुत है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम 3 घंटे क्लास चलाएं, तो 90 घंटे की हम आरओ आरओ क्लास पूरी फ्री में चलाएंगे, जिसमें हम जीएस हिंदी आपकी कंप्लीट कराएंगे। उसको हमने सीमेंट बांट रखा है कि कैसे हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो 22 क्लास आपकी, लगभग 22 क्लास आपकी होगी उसकी 3 घंटे की जीएस की, बाकी बचा हुआ हम हिंदी को देंगे। और टारगेट ये है कि जो भी आरओ दे रहे हैं, चाहे आप हो चाहे बाहर का कोई बच्चा हो, जो भी देख रहा हो, वो आरओ अच्छा पेपर आप करके आइए। हमारा मोटिव यूट्यूब के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का यही है कि जो बच्चे क्लास में जो आप यहाँ पढ़ रहे हो तो पढ़े ही पढ़ें, जो एक्स्ट्रा हम कर पाते हो यूट्यूब के माध्यम से आप वहाँ कंप्लीट कर अपनी क्लास कर लें, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिए। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा बड़ा बड़ा कुछ ना, क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या लिखा हुआ है? ये मैं जारी कर रहा हूँ और इसके मैंने स्रोत भी बता रखे आगे कि कौन सा लेक्चर है, किस डेट को पब्लिश हुआ
वो आप YouTube पे देख सकते हैं जा करके, ठीक है, कि इनकी सत्यता क्या वहाँ मिला भी कि नहीं मिला। और जो ऑफलाइन की क्लास है वो ऑफलाइन की क्लास आप लोग हैं सेंटर पे हैं जो बाहर हमें सुन रहे हैं, वो सेंटर विजिट करके आप किसी बच्चे की कॉपी लेके भी देख सकते हैं कि ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। तो अगर मैं लेक्चर वाइज और चीज़ें यहाँ प्रूफ दे रहा हूँ तो ये ऑथेंटिसिटी है कि आप कहीं से भी हमारी चेक कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन फंसे हैं, हम बता दे रहे हैं कि हमारे कहाँ कहाँ क्वेश्चन मिले हैं, कैसे कैसे मिले हैं, आप जाके वहाँ चेक कर लो। ठीक, कुल अप्रॉक्स 26 क्वेश्चन के करीब थे पॉलिटी के। अभी आज हम पॉलिटी का कर रहे हैं, कल हम किसी और सब्जेक्ट का करेंगे। 26 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हुए हैं पीसीएस में, ठीक, जिसमें से 2 मिसलेनियस हैं। कुछ लोगों ने उसको इकोनॉमी में रखा है, कुछ लोगों ने उनको इधर रखा है, ठीक, जैसे एक जीएसटी वाला है, कुछ लोग उसको इकोनॉमी में लेके जा रहे हैं, मैं उसको पॉलिटी में लेके आया हूँ। तो एवरेज जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो 24 क्वेश्चन हैं। कितने? 24 क्वेश्चन को पीसीएस में आपके सामने, कोर क्वेश्चन 24 आपके सामने आए हैं पॉलिटी के। 24 में से 22 क्वेश्चन आपके नोट्स और आपके यूट्यूब प्रोग्राम से मिले हुए हैं। तो 24 का अगर 22 निकालेंगे तो लगभग 92% आपका क्वेश्चन आपके पेपर से, आपके क्लास से, आपके यूट्यूब प्रोग्राम से आपके पास मिले हुए हैं। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे मिले हुए हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, जिनके पास पेपर होगा, आपका कौन सा सेट था? बी आपका, ए, ठीक है, तुम्हारा कौन सा था बेटा? पेपर सेट अलग अलग होगा, तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा पेपर सेट का, सेट 2 का है, तो आपने घर पे जा करके क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि सेट 2 का हम क्वेश्चन यहाँ कुछ और बताएंगे, वहाँ कुछ और होगा। तो देखो, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, हमने यहाँ कुछ सेगमेंट लिखे हैं, सीरियल नंबर, ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर इन सेट बी। यहाँ जो आपको लिस्ट दिखाई पड़ रही है ये वो क्वेश्चन नंबर हमने दिए हैं जो आपको सेट बी में दिए गए हैं, जो पेपर आपके पास है, मतलब ये पेपर जो आपके पास है इसका सेट बी का ये ओरिजिनल नंबर हमने दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि निम्नलिखित में से जीएसटी संशोधन का पास किया गया, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है। इधर आपको जो दिया गया है वो भूमि सोर्स, मतलब ये क्वेश्चन नंबर मिला भी है भूमि से कि नहीं मिला है, मिला तो कहाँ मिला है, ठीक है ना, वो हम बताएंगे। दूसरा लेक्चर नंबर, मतलब वो कहाँ मिला है, और तीसरा वो पब्लिश या क्लास डेट कब है, अगर यूट्यूब है तो कब पब्लिश हुई, अगर ऑफलाइन क्लास है तो कब हुई, उसका लेक्चर नंबर क्या है, ये हमने यहाँ रखा हुआ है। तो आप क्लियर है ना कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा तो समझ जाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ से क्वेश्चन बताता जाऊँगा स्टार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 जीएसटी के संशोधन से पूछा हुआ है, ठीक, जीएसटी के संशोधन से पूछा हुआ है। तो ये देखिए, हमने लिखा है ऑफलाइन क्लास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी दोनों में हमने कंप्लीट करवाया था, ऑफलाइन क्लास जब चलाई थी और हमने जब रिवीजन क्लास भी पढ़ाई थी पीसीएस वाली, तो उसमें हमने जीएसटी संशोधन को पढ़ाया था। जीएसटी संशोधन दोनों का विषय है, अगर अमेंडमेंट की बात आप करोगे तो पॉलिटी वाला पढ़ाएगा, इकोनॉमी की बात करोगे तो जीएसटी वहाँ जब टैक्सेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ भी पढ़ाएंगे वो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ डेट नहीं लिखी हुई कि लेक्चर किसका कब रहा होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति के बारे में पूछा गया है। पीसी होटा समिति ना हमने पढ़ाया है ना हमारे टीचर ने पढ़ाया है, ये कोई झूठ बात इसमें नहीं है कि हमने इसको नहीं पढ़ाया है, सिविल सेवा के लिए जो समिति है उसको हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। और ये क्वेश्चन अपने आप में नया है, ये क्वालिटी में बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा भी नहीं कि सिविल सेवा को लेकर के पीसी होटा समिति क्या थी। तो यहाँ देखिए, हमने इसको कैंसिल कर रखा है कि भाई ये हमारे नोट्स से नहीं मिला हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है कि जो हमारे नोट्स से नहीं मिला हम उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखिए, हमने लिखा हुआ है कि YouTube स्पेशल क्लास, मतलब ये क्लास, ये जो लेक्चर है वो हम आपको YouTube पे शेयर किए थे। सुपर 50 हमने सीरीज चलाई थी, आप जाकर देख सकते हैं YouTube पे। सुपर 50 का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 26 एकदम क्लियर हमने आपको किया है कि आप कहीं से भी हमारे ऑथेंटिसिटी को जज कर सकते हैं। आप अभी YouTube खोलिए, सुपर 50 पे जाइए, पार्ट 3 देखिए, किसका सब्जेक्ट पॉलिटी का, तो पॉलिटी का पार्ट 3 देखेंगे आप, पॉलिटी का सुपर 50 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ हमने एक चीज लिखा हुआ है 50% मैच का मतलब इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां टीचर ने पहले ऑप्शन को डिस्कस किया है, दूसरे ऑप्शन को नहीं किया गया है।
तो हमने इतनी क्लियरिटी रखी है कि हमने यहाँ ये नहीं कहा कि हमने सब पढ़ाया है, हमने कहा कि हमने बस पहला ऑप्शन आपके साथ शेयर किया हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए भी नया है कि पहली मुख्य महिला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थी, ये मेरे लिए भी नया है, ठीक है ना। लेकिन इसको आप फैक्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप पहले निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो पहली महिला तो आपको जानना ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके साथ हमने वहां शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 भी वही है, किससे पूछ रहे हैं कि भारत में कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये हमने यूट्यूब पे आपको क्लास करवाई है, वही क्वेश्चन है, सुपर 50 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26, और जो पब्लिश हुआ था आपको 2 अक्टूबर 2020 को। तो आप तीनों से आप सुपर 50 डाल के चेक कर लीजिए, ठीक है, 2 अक्टूबर का लेक्चर देख कर चेक कर लीजिए, वहां हमने आपको ये डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास हमने रिवीजन क्लास उसकी चलाई थी, पीसीएस की एसएसएल की हमने खुद ली थी, 2 महीने क्लास, 2 या 3 महीने, दिसंबर से फरवरी तक में, उसमें पूरा कंप्लीट कराया है। वहां हमने लिखाया भी हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, कितने होती हैं, हमने रटवाया भी उधर था, 11 हो कौन कौन से हैं, एजुकेशन वाला कौन आया, 11वां कौन सा अटैच हुआ, किस समिति की रिकमेंडेशन पे आई, कब अटैच किया गया इसको, इसका जुडिशियल कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब वहाँ डिस्कस किया हुआ है। और ये ऑफलाइन क्लास भी हमारी चली थी, देखिए लिखा हमने दोनों जगह चली थी, लेक्चर नंबर 20 19 जनवरी 2020 को पॉलिटिक के फंडामेंटल ड्यूटीज वाले क्लास में हमने इसको कंप्लीट कराया था। फिर दूसरा ये है कि जो रिवीजन क्लास वही है जो मैंने UPPCS के लिए स्पेशल चलाई थी खुद, उस क्लास का है लेक्चर नंबर 5 5 जनवरी 2021 को, क्लियर है। आप इसके इसको लेकर के क्लास में इनसे पूछ सकते हैं, या आप सेंटर पे आइए, या आप यहाँ हैं तो आप किसी भी जो इस क्लास में बच्चा रहा उससे आप बात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, मतलब जो सदन में पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और हमने आपको यहाँ बताया है कि हमने ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 24 प्रेसिडेंट का क्लास थी, लेक्चर नंबर 24 में हमने कंप्लीट करवाया, जो हुई थी 11 फरवरी 2020 को, ठीक। और दूसरा यह है कि रिवीजन क्लास जो हमने करवाया था पीसीएस के लिए, वहाँ क्लास लेक्चर नंबर 8 में 15 जनवरी 2021 को कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ भी इसको जा करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं है बेटा, यहाँ गलत लिखा तुमने, ये डीपीएसपी नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉरी डीपीएसपी का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो यहाँ है, यहाँ आपसे देखेंगे कि डीपीएसपी के आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनका सब्जेक्ट पूछा गया है। आप जाइए यूट्यूब पे हमारे, हालांकि ये ऑफलाइन क्लास में भी चलिए, लेकिन जो हम आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट दे सकते हैं लिंक, वो हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए टॉपिक ही है, व्हाट इज डीपीएसपी, जो 26 अक्टूबर 2020 को पब्लिश की गई थी, वहाँ हमने पूरा डीपीएसपी पढ़ाया गया है कि कितने प्रकार के डीपीएसपी होती हैं, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में कौन सा सब्जेक्ट कहा गया है। फिर यहाँ देखिए रिवीजन क्लास भी है आपकी, रिवीजन क्लास जो हमने पीसीएस चलाई थी 3 जनवरी 2021 को, वहाँ भी डीपीएसपी अच्छे से कंप्लीट कराई गई थी, और हमने तो क्लास में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51A तक याद कराया है, कराया है नहीं, लिखवाया है कि नहीं, तीन वाले क्लास में 1 से लेकर के 51 तक हमने लिखवाया भी है, ठीक है। क्योंकि हमने इसी क्लास में भी कुछ दिन पहले बोला था कि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आपको कुछ आर्टिकल, खासकर आर्टिकल 1 से 51A तक आपको याद ही होना चाहिए। और आप पेपर देखना, आर्टिकल 1 से 51 तक में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमने दो जगह कंप्लीट करवाया था, एक जगह कंप्लीट करवाया था जब एनवायरनमेंट पढ़ा रहे थे पुनीत सर, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या होता है, उसका चीफ कौन बनता है, और एक हमने पढ़ाया था पीसीएस के रिवीजन क्लास में, और पुनीत सर अभिषेक सर से भी बोला था डिजास्टर मैनेजमेंट नया सेगमेंट, दो नए सेगमेंट पॉलिटी में जुड़े हुए थे, अगर आप बुक देखेंगे एक एनडीआरएफ और दूसरा एनआईए, ये दो सेगमेंट जुड़े हुए थे, और इन दो सेगमेंट पर मैंने अच्छा खासा लेक्चर भी लिया हुआ है क्लास में जाकर के पीसीएस वाले, और हमने वहाँ प्रिंट आउट भी दिया हुआ है इन दोनों क्लासों की, क्योंकि ये दोनों नए सेगमेंट जुड़े थे, और मैंने बोला था कि जब भी पॉलिटी में कुछ नया जुड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनेंगे, 2020 के किसी भी बुक में ये दो नए चैप्टर जुड़े हैं आपके पॉलिटी में, एनडीआरएफ और एनआईए, नेशनल एनआईए का मतलब क्या होता है, हाँ ये जुड़ा हुआ है, दो सेगमेंट नए जुड़े हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखिए हमने लिखा हुआ ऑफलाइन क्लास, लेक्चर नहीं पता,
39 पे देखिए, 39 क्या है, मिनिस्ट्री, जो मंत्री होते हैं, मंत्री किसके प्रति रिस्पांसिबल होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39। ये ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 25 16 फरवरी 2020 को पब्लिश की गई थी, और क्लास का नाम था प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। ठीक, दूसरा रिवीजन क्लास पॉलिटी में भी हमने इसको कंप्लीट करवाया है 2 फरवरी 2021 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है राज्य लोक सेवा आयोग। आप अंडरस्टूड है क्योंकि आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो आयोग से आना ही आना है। हमने भी और अभिषेक सर ने भी इस पे पूरी क्लास ली हुई है, और इस क्लास को नाम हम लोग देते थे मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम जो पीसीएस क्लास लेते हैं, तो उसमें हम मिसलेनियस में हम सारे आयोग डालते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी हमने कुछ दिन पहले एनएचआरसी भी डलवाया हुआ था, ठीक है ना, यूपीएससी को लेकर के यूट्यूब पे वीडियो आपके पड़ी हुई है। तो ये क्लास ऑफलाइन हमने कंप्लीट करवाई थी मिसलेनियस बैच के रूप में, और वो हमने खुद करवाई थी 18 जनवरी 2021 को, ठीक है, जहाँ हमने एक हमने हमारा पढ़ाई तरीका ये है कि हम एक तरफ हमने यूपीएससी को रखा था, एक तरफ हमने यूपी उसको स्टेट पीसीएस को रखा था। दोनों के अध्यक्ष कैसे होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, क्या क्राइटेरिया, सब तुलनात्मक रूप से पढ़ाया था उधर। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर आप क्लियर रहिए, कई बार पूछा गया है, और जब भी कोई भी क्लास, हम नहीं, कोई भी कोचिंग अगर इलेक्शन कमीशन को पढ़ाएगी, इलेक्शन को पढ़ाएगी, तो इस बात को जरूर बताएगी कि आपके राइट टू वोट का जो राइट है आपके पास, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करके आपकी जो उम्र है 21 से घटा करके, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 3, ये मैंने लिया था 15 फरवरी 2021 को। क्लियर है? सेविंग मोड में चले गए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ। 54 क्या है? भारतीय संसद के लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पे 4 बार क्लास ले चुका हूं मैं। पहला आपसे एक सर ने पढ़ाया ऑफलाइन क्लास में, दूसरा पीसीएस के बैच में हमने पूरा तीनों समितियां पढ़ाई, संवैधानिक समिति, सरकारी का लोक लेखा, पीएसी जिसको बोलते हैं आप, सार्वजनिक समिति होती है, लोक उपक्रम की समिति होती है, सारी वहाँ हमने पढ़ाई हुई है। और फिर हमने टेस्ट भी लिया था पीसीएस बैच में, वहाँ लोग ये जो समितियाँ हैं, समितियों पे हमने 3 टेस्ट करवाए थे लगभग 30 नंबर के। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 15 18 फरवरी 2021 को, ये मैंने लिया हुआ था। यूट्यूब स्पेशल प्रोग्राम चला था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुपर 50 Part 1 क्वेश्चन नंबर 9, ये अक्टूबर 2020 को पब्लिश की गई थी, ये भी पढ़ी हुई, वहाँ भी पीएससी को लेकर के क्वेश्चन है, पीएससी का पूरा डिस्कशन वहाँ किया गया कि पीएससी होती क्या है, कितने मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, इनके राइट्स क्या हैं, और ये किस रिपोर्ट पे बात करते हैं। और वहाँ ये बताया गया आपको कि पीएससी और कैग को ट्विन सिस्टर बोला जाता है, ठीक है ना, वहाँ यह आपको टीचर ने बताया हुआ अच्छे तरीके से, ठीक। और तीसरा ये है कि यूट्यूब प्रोग्राम पर दूसरा क्वेश्चन है सुपर 50 का Part 4 क्वेश्चन नंबर 38 में भी इसको कंप्लीट किया गया है, जो पब्लिश हुआ है 30 अक्टूबर 2020 को। तो 2 बार यूट्यूब पे हम इसको पब्लिश कर चुके हैं, और 2 बार ऑफलाइन क्लास में भी ले चुके हैं, एक अक्षय सर की क्लास है, एक जो हमने पीसीएस के लिए लिया था उसमें भी हमने इसको कंप्लीट करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 आइए। 64 का जो क्वेश्चन है उसका अरेंजमेंट तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ कि पंचायती राज को लेकर के कौन कौन से आयोग बने हैं, कब बना था, किस आयोग ने क्या कहा था, किस आयोग आयोगों में डिफरेंस क्या, मूलभूत डिफरेंस क्या है, ये हमने खुद पीसीएसएल क्लास में बहुत अच्छे से 2 से 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू करवाया था कि इसको आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटी में जितना जरूरी पढ़ना पार्लियामेंट को है, जितना जरूरी पढ़ना स्टेट लेजिस्लेचर को है, उतना ही इंपॉर्टेंट है पंचायती राज सिस्टम, लोकल गवर्नेंस पॉलिटी सेगमेंट में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, पॉलिटी का, ठीक। तो यहाँ हमने देखिए बताया हुआ है आपको, ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कराया लेक्चर नंबर 10 फरवरी 2021 को। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65। जब भी पॉलिटी पढ़ाई जाती है, अगर अच्छा टीचर है तो पॉलिटी की स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताएगा,
पहला बेसिक ये बताएगा कि पॉलिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में डिफरेंस क्या है, फिर आपको बताएगा कि इंडियन पॉलिटी का बेसिक नेचर क्या है, इंडियन पॉलिटी में जो टर्मिनोलॉजी है, जो चीज़ें वो कहाँ से ली गई हैं, और इसकी पूरी लिस्ट आपको जारी करेगा, क्योंकि बिना इसके कि आप ये नहीं समझ सकते कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे और बाकी जहाँ से हमने लिया वहाँ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 65 भी हमने ऑफलाइन क्लास में चलवाई है, मिसलेनियस क्लास। ऐसी क्लास 12 फरवरी 2021 को हमने खुद लिया है, क्योंकि कुछ क्लास हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनका कोई टॉपिक नहीं होता, जैसे कहाँ से लिए गए हैं, क्या विशेषताएँ हैं, संसद क्या होते हैं, संसदीय व्यवस्था के क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या, ये कुछ क्लास हमें मिसलेनियस लेनी पड़ती है, जिसमें आप कोई टॉपिक नहीं डालते हो, एक कंपाइल क्लास चलाते हो कि हाँ कुछ भी हम 2 घंटे में पढ़ा सकते हैं। ये हमने खुद लिया हुआ है, और हमारा बेसिक नेचर ये है कि हम जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम एक लिस्ट जरूर जारी करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 हमने छोड़ रखा है क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया, ये बिल्कुल नया टर्म है कि हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा सभ्यता किसने कहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, इसमें कोई बुराई नहीं कहने में कि मुझे नहीं पता, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको, मैं क्यों पढ़ूंगा इसको, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो मैंने यहाँ क्रॉस छोड़ दिया कि भाई मुझसे ये नहीं फंसा हुआ है, आप देख लो कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 87 है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को लेकर के ये बात की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन क्या वर्क करता है, ठीक है। इसी क्लास में कई बार अभिषेक सर बोल चुके हैं, गवर्नेंस वाले क्लास में बोले हैं, और पॉलिटिक जो क्लास लिया फाइनेंस कमीशन वहाँ पढ़ाया जाता है, कोई भी फाइनेंस कमीशन पढ़ाएगा तो पहला काम तो बताएगा फाइनेंस कमीशन होता क्या है, उसका कार्य क्या है। हमने भी फाइनेंस कमीशन जब पढ़ाया था पिछले साल क्लास में, तो हमने बताया फाइनेंस कमीशन होता क्या है, कब बना, कौन पहले अध्यक्ष थे, इस समय वर्तमान स्थिति क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे हटेंगे, क्या उनका सैलरी कहाँ से आती है, और उनके मेन वर्क क्या है, ये हमने आपको वहाँ डिस्कस किया हुआ था। ढेर सारे वर्क होते हैं लेकिन मेन वर्क उनका ये है कि स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स का कन्वर्जन करना, ठीक है। तो वहाँ देखिए लिखा हुआ है हमने कि यूट्यूब एक्सल क्लास सुपर 50 की क्लास पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 2 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आइए, 93 है राज्यसभा में किस विधेयक को पहली बार नहीं पास किया जाता है, जब भी क्या, हाँ अब तो बताओगे ही, इस यहाँ पे बहुत आसान सा है, ठीक है। तो कोई भी जब आप मनी बिल पढ़ोगे, या जब आप अमेंडमेंट पढ़ते हैं, या जब आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं और उसमें लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं, तो जब कोई भी अच्छा टीचर होगा या अच्छी संस्थान होंगी, तो जब वो लोकसभा राज्यसभा खत्म कर लेंगे तो लास्ट में एक लिस्ट जारी करेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो वो बेसिक डिफरेंस आपको बताएंगे कि बेसिक डिफरेंस ये है कि मनी बिल पे राज्यसभा के पास पावर बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऑफलाइन क्लास में चली है लेक्चर नंबर 9 जनवरी 2021 में, वो हमने लिया, जितनी भी 2021 की क्लासें वो मैंने प्रॉपर खुद लिया हुआ पीसीएस के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 में, फिर वही आपके वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें बातें पूछी गई है, यहाँ भी वही है सुपर 50 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 26 2 अक्टूबर 2020 को। फाइनेंस कमीशन से 2 क्वेश्चन हो गए, इलेक्शन कमीशन से भी 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 99 एक मिसलेनियस पार्ट है पॉलिटी का। उस मिसलेनियस पार्ट में आपको ये बताया जाता है कि कितने अमेंडमेंट पॉलिटी में हो चुके हैं और आपको कितने पढ़ने हैं। वो अमेंडमेंट कोई भी टीचर अच्छा होगा तो ज़रूर बताएगा, करवाने पॉलिटी का टीचर होगा तो भी बताएगा, और हमने पीसीएस क्लास में करवाया भी है कि अमेंडमेंट कौन सा है, कब हुआ, क्या क्या उसमें पॉलिटी में चेंज किए गए, ये 3 चीज़ आपको पकड़ना चाहिए। यहाँ जो दिया गया है ये हमने खुद लिस्ट जारी की, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, 24वां 42वां संविधान संशोधन कब कब हुआ, कब कब पास हुआ, इनके सब्जेक्ट क्या है, इनकी पूरी लिस्ट भी हमने वहाँ जारी की हुई है। पीसीएस क्लास में हमने बहुत बार करवाया है क्योंकि हमें पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी चीज आयोग जरूर पूछी जाती हैं जो बच्चे काम नहीं कर पाते, ऐसे आर्टिकल को मैच कराना, अमेंडमेंट को मैच कराना, फर्स्ट चीफ कौन था, वर्तमान चीफ कौन है, इन सबको मैच कराने वाला पोर्शन है। तो ऑफलाइन क्लास मिसलेनियस बैच जो 31 जनवरी को हमने खुद लिया था 2021 को, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें और बताएंगे भी हम, बायोकॉम सत्याग्रह तो पढ़ाया ही हिस्ट्री वाले पोर्शन में,
हिस्ट्री वाले पोर्शन पे कल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 पे आइए। 102 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया और मैं बार बार इसी क्लास में बोला हूँ कि जिसको प्रेम्बल नहीं आता वो क्वेश्चन जरूर गलत करके आएगा। फिर आ गया प्रेम्बल क्वेश्चन और मैंने कहा था कि आईएएस के क्वेश्चन से रिपीट होगा, हो गया। आईएएस में क्या पूछा है, इनमें से प्रेम्बल में क्या क्या नहीं है, वही क्वेश्चन इधर आ गया ना। मैं बोला था कि आप आईएएस का रिपीट करके जाएंगे, दो चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मिल गए। पूछा प्रेम्बल को लेकर ना, देखिए संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है, ये पूछा गया है कि भाई क्या नहीं है। तो प्रेम्बल को लेकर के कई क्लास हो चुकी है, मैं खुद पीसीएस को लेकर के ऑफलाइन ले चुका हूँ, आपसे इस तरह खुद ऑफलाइन ले चुके हैं। यूट्यूब पे प्रेम्बल का खुद पढ़ा हुआ है, उसका टॉपिक का नाम है पॉलिटी क्लास लेक्चर 1 और उसका थंबनेल है प्रेम्बल। प्रेम्बल पे मैंने भी यूट्यूब पे क्लास ली हुई है, वहाँ 1.5 घंटे क्लास है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हमने केवल वही लिख दिया है कि यूट्यूब पे है, प्रस्तावना है 30 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी और जो मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी लेक्चर नंबर 7 है वो 7 जनवरी 2021 को हमने लिया हुआ था क्लास उधर। अब क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाइए। 110 जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट में दो सेगमेंट महत्वपूर्ण पढ़ाए जाते हैं। पहला कि पार्लियामेंट के सेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक, और दूसरा कि पार्लियामेंट के इन हाउस कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को पूछने का कुछ नेचर होता है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, आधे घंटे की चर्चा होती है, ठीक है। ये सब हमने खुद पढ़ाया है पॉलिटी वाले क्लास में, पीसीएस स्पेशल बैच में, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लास में भी टीचर पढ़ाया हुआ है शून्यकाल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 18 फरवरी 2020 में एफ सेक्शन ने पढ़ाया हुआ है और हमने पीसीएस वाले बैच में खुद पढ़ाया हुआ है कि शून्यकाल क्या होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सेट हैं आयोग में जहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शून्यकाल इसलिए भी, जीरो आवर इसलिए भी, क्योंकि जीरो आवर किसकी देन है, इंडिया की। जीरो आवर कौन लेके आया, इंडिया लेके आया। तो जो इंडिया लेके आया, पॉलिटी में इतना बड़ा चेंज है और जीरो आवर को लेकर के डिबेट भी होता है, जीरो आवर को लेकर कई बार के समय को चेंज भी किया गया, तो जीरो आवर से क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 130 पे। 130 एक ऐसा क्वेश्चन है जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अक्सर टीचर छोड़ दिया करते हैं, उसलिए नहीं छोड़ते कि उनको मन नहीं पढ़ाने का, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो छूट ही जाता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पता नहीं क्या आयोग को इतना प्रेम है आईएसपीसीएस को, पूछते ही पूछते हैं। और वो है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद पे स्पेशल क्लास ही हमने ली हुई है पीसीएस स्पेशल बैच में कि अंतर्राज्यीय परिषद होता क्या है, कौन इसका चीफ होता है, किसको चीफ के रूप में अपॉइंट किया जाता है, उसके पावर्स क्या होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल का थीम क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल में स्टेट की क्या पार्टिसिपेशन है। और ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप नीति आयोग भी बना दो और इंटर स्टेट काउंसिल भी आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल में भी पावर है सबको और नीति आयोग में भी पावर है सबको। तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ पूरी थी और इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑफलाइन क्लास मिसलेनियस बैच 21 फरवरी 2021 को जो हमने लिया हुआ पीसीएस की क्लास में, ठीक है। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पीसीएस, जिसको लेकर के पीसीएस को बहुत प्रेम है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक इंटर स्टेट काउंसिल है और एक ये है जो फाइनेंस कमीशन पे हैं आर्टिकल 269, 271, 273, इन सब से आयोग को बहुत प्रेम है, वो पूछता ही पूछता है एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंटेजेंसी फंड। कंटेजेंसी फंड बिना पढ़ाए आप मनी बिल को पढ़ा ही नहीं सकते, कंटेजेंसी फंड को बिना पढ़ाए आप बजट को नहीं पढ़ा सकते। तो बजट को या मनी बिल को पढ़ाते समय कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उस कंटेजेंसी बिल को उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कंटेजेंसी बिल को पढ़ाते समय वो कॉन्सेप्ट बताते समय आपका आर्टिकल बताता है या नहीं, क्योंकि अगर आर्टिकल नहीं बता रहा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि कंटेजेंसी बिल, बजट, मनी बिल कुछ ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल आपको याद रखने ही होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ऑफलाइन क्लास लेक्चर नंबर 26 13 फरवरी 2021 को जो मैंने लिया हुआ पीसीएस वाले बैच में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे
ऊपर ही नहीं आएगा, ये आ गया। टोटल कोर क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, मिसलेनियस को अगर छोड़ दिया जाए 24, 22 का प्रमाण हमने आपको दे दिया, तो ये 22 का प्रमाण है, आप जाके कहीं भी चेक कर सकते हैं। अगर रेशियो निकालेंगे तो 91.67% होगा, जो आपके पॉलिटी वाले सेगमेंट से, आपके यूट्यूब चैनल से, मतलब भूमि आईएएस के यूट्यूब चैनल से या भूमि आईएएस के क्लासरूम प्रोग्राम से आपको मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे तो बहुत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर भी रखना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया है तो हम उस पर लगेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। बस भटकाव तब आ जाता है जब आप बगल वाले का किताब देख करके मार्केट में दौड़ पड़ते हैं, तो दौड़िए नहीं। हमें जब बताना होगा कि कौन सी किताब कब पढ़नी है, तो मैं बिना कहे आज बता दूंगा, मैं बिना कहे अगर क्लास में आकर के ये बता देता हूँ कि ये चीज़ कंप्लीट करिए, कल मैं चेक करूँगा, क्लास रोक के बता देता हूँ, तो मैं वहाँ भी बता दूंगा मुझे बताना पड़ेगा। जैसे आज शाम एनसीईआरटी बैच में हमने केस स्टडी दिया उनको, आप उम्मीद कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बैच के बच्चों से मैं केस स्टडी लिखवा रहा हूँ, और वो 3 से लेकर 6 तक केस स्टडी लिख के गए हैं, मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ, आप उसको कोशिश करिएगा लिखने की, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ कराऊंगा आपसे, बस आप तैयार हो जाओ कि हमें करना है, लेकिन उसके लिए आपको खुद के कॉन्फिडेंस के साथ हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा कि यार ठीक है, हमें लड़खड़ाने नहीं देंगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से लगिए, जो आरओ के लिए लगे हैं वो अभी जा करके जो मैंने बताया वो कर लें, ये दोनों पेपर आईएएस और पीसीएस दोनों का एक्सप्लेनेशन वो ढूंढ कर रख लें अपने पास। हम दावा करते हैं कि दोनों पेपर मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चन उनका कहीं नहीं गया है, कहीं गया ही नहीं है, क्योंकि आयोग इसमें जिस करंट को पूछ रहा है वो करंट आयोग ने सेट करके रखा है। बस फर्क इतना होगा कि उस करंट से यहाँ उसने ये पूछ लिया कि भारत को कौन सा रैंक मिली है, सेम कंटेंट रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा, वहाँ पूछ लेंगे पहला स्थान किसको मिल गया, बस, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है, समझ रहे ना, क्योंकि पेपर तो आयोग ही बनाना है, पेपर तो पीसीएस को ही बनाना है, ठीक। तो और आरओ का एग्जाम भी बहुत अच्छा है, और एग्जाम अच्छा है बुरा ये नहीं, बात इसका है कि आप प्री बोर्ड क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, समझ गए आप। तो आप इसको अच्छे से करिए, लगे रहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप इनिशिएटिव लोगे तो हम इनिशिएटिव जरूर लेंगे, आप नहीं लोगे तो हम कितना लेंगे, ठीक है ना। तो जिनका भी आरओ है, मैं फिर कह रहा हूँ, आरओ वाले एकदम लग जाएं, एकदम उनके पास मौका समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मान के चलिए कि 3 से 7 दीपावली का समय आपका जाने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए पढ़ नहीं पाएंगे, वो अलग बात है कि कोई हिमालय से मोदी की तरह पैदा होकर बोल दे कि मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूँ, मुझे दीपावली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई वो ब्रह्मा वो वही कर सकता है, ठीक है, फिर वो मनुष्य नहीं है, फिर वो महामानव है, ठीक है, फिर वो महामानव है, ऐसा नहीं, रियलिटी में लाइफ जीजिए। रियलिटी ये है कि दीपावली का त्यौहार है, आपको एंजॉय करना चाहिए, हक बनता है आपका एंजॉय करने का, अच्छे तरीके से करिए, लेकिन उस समय के एंजॉयमेंट का इस्तेमाल आप अभी कर लीजिए कि यार अभी हम थोड़ा सा मेहनत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, 2-4-6 घंटे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्लियर है आपको बात, समझ गए ना, लग जाइए, मैं जितनी सहायता कर पाऊँगा आपकी कर दूँगा, बाकी एटलीस्ट करना तो आपको है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। बाकी 2022 के लिए जो तैयार हो रहे हैं वो इस पेपर, ये पेपर हो गया ना, जब आयोग के चाहे आईएएस चाहे पीसीएस पेपर ख़त्म हो जाता है उसके 24 घंटे बाद से नेक्स्ट शेड्यूल का मटेरियल तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2022 वालों के लिए समय नहीं है, आप कल से अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2022 के एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। मैं इस क्लास में जल्दी ही QIP कराऊंगा, मैंने बोला है, और QIP में जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा अपने निर्देशन में जैसे मैंने PCSSL की क्लास चलाई थी, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारे साथ पढ़ने का मौका लेना है तो आपको QIP क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लग जाइए, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और लगे रहते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा आपको।
ठीक, और जिस फॉर्मेट को मैं सेट कर रहा हूँ अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत चीज़ें आपको क्लास में भी और एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में, कल देखते हैं किस सब्जेक्ट का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, बस आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए आपकी क्या करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।